सारे कार्य श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पिछले 25 वर्षों में देश के लिए और कांग्रेस के लिए किए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि इस प्रस्ताव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक, मैं हूं संतोष पांडे। राजस्थान की राजनीति में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। जब कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ ले ली, तभी से ये कहा जा रहा था कि अब राजस्थान की तरफ कुछ न कुछ बदलाव होगा, और हुआ भी है। दरअसल कई राज्यों के प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया है, उसमें खुद अजय माकन भी हैं जो राजस्थान के प्रभारी हैं। 2 साल 2 महीने के आसपास उनका कार्यकाल रहा, लेकिन इस्तीफा देने के बाद अब चर्चा हो रही है कि राजस्थान का प्रभारी किसे बनाया जा सकता है। दरअसल संजय निरूपम, दैनिक भास्कर.com खबर के अनुसार संजय निरूपम, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और अमिका सोनी के बारे में चर्चा है। अब समझ लेते हैं कि संजय निरूपम दरअसल महाराष्ट्र से आते हैं, वो वहाँ पर सांसद रहे कांग्रेस के। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा से आते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद रहे रोहतक से। कुमारी शैलजा जो है वो भी मंत्री रहीं, सांसद रहीं, इस समय बड़ी पदों पर काम कर चुकी हैं कांग्रेस की। अमिका सोनी भी कई बार मंत्री और सांसद रही हैं, और अमिका सोनी के नाम की भी चर्चा हो रही है। अब समझा देते हैं जरा इन चारों का कैसा संबंध रहा है राजस्थान से। .com जो दैनिक भास्कर खबर के अनुसार समझे तो ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो शैलजा कुमारी हैं उनके नाम की चर्चा है, जो पहले भी राजस्थान में चुनाव के समय जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। उन्हें न्यूट्रल माना जाता है, न्यूट्रल मतलब कि वो किसी भी पक्ष में नहीं जाएंगी, ना तो गहलोत नहीं पायलट, और वो हमेशा कांग्रेस के लिए काम करेंगी, ऐसा दैनिक भास्कर.com खबर के अनुसार चर्चा में है। अमिका सोनी पहले प्रभारी रह चुकी हैं, उन्हें गहलोत का नज़दीकी भी माना जाता है, लेकिन राजस्थान के जो हालात हैं उसके हिसाब से यहाँ पर अमिका सोनी के नाम की चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमिका सोनी अब उस उम्र में है, उस पड़ाव पे हैं कि उन्हें यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नहीं लिया जा रहा है। संजय निरूपम यहाँ पर संगठन चुनाव में राजस्थान के प्रदेश रिटर्निंग अफसर रह चुके हैं, उन्हें भी न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन संजय निरूपम को भी शायद यहाँ पर उस तरह से पसंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले जब अविनाश पांडे आए थे तो उन्हें भी बहुत ही एक तरह से ऐसे जाना पड़ा कि उन्हें भी बहुत कोई फ़ायदा नुकसान समझ में नहीं आया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा से आते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, इनके नाम की चर्चा है, हालांकि इन पर भी परिवारवाद का आरोप लगता है। इनको प्रियंका गांधी के सबसे नज़दीकी माना जाता है, और युवा हैं, और यहाँ के हिसाब से मुझे लगता है कि जो जानकारियाँ मेरे पास हैं इन्हें ही यहाँ पर बनाया जा सकता है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि अजय माकन फिर से वापस यहाँ बनेंगे, फिलहाल अभी कुछ चर्चा में नहीं है। और दरअसल दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है अजय माकन की जगह अगर लाया भी जाएगा तो इन्हें पायलट का नज़दीकी माना जाता है, और देखने वाली बात यह है कि आगे क्या हो पाएगा, ये समझने की स्थिति हो पा रही है। अजय माकन को अगस्त 2020 में अविनाश पांडे की जगह राजस्थान का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया था। अविनाश पांडे को सचिन पायलट खेमे की शिकायत के बाद हटाया गया था। पांडे पर अशोक गहलोत खेमे का पक्ष लेने के आरोप लगे थे। अब जब अजय माकन आए तो इनके ऊपर अशोक गहलोत खेमे के लोगों ने पायलट के खेमे का होने का आरोप लगाया, फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो अब ये लगता है कि यहाँ जो आएगा वो युवा होगा, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो युवा हैं, वो यूथ हैं, और वो राज्यसभा लोकसभा दोनों देख रहे हैं, सिस्टम समझ रहे हैं, एक बड़े परिवार से आते हैं। अब तो उनके मन में ये चीज़ होगी कि उन्हें अगर यहाँ बनाया जाएगा तो आज तो पहली बात ये जाट हैं, और हरियाणा राजस्थान में तमाम जो मुद्दे हैं उनको बहुत तरह से वो हल कर सकते हैं। अविनाश पांडे और अजय माकन दोनों यहाँ पर फ्लाफ हुए, एक पर आरोप लगा पलट गुट ने लगाया, दूसरी तरफ अशोक गहलोत के गुट लोगों ने लगाया, तो अब दोनों के इस्तीफे की बात भी मानना तय है कि अब कुछ और होगा। लेकिन वहीं कहा जा रहा है कि अजय माकन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज खड़गे के पद समारोह में माकन जिस तरह सक्रिय रहे, उनका भाषण जिस तरीके से करवाया गया, उससे बात साफ हो रहा है कि अजय माकन के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी आएगी। तो माकन के राजस्थान प्रभारी पर इस्तीफा अकेले नहीं है, सभी राज्य प्रभारी को इस्तीफे दिए हैं, ऐसे में माकन का कद बरकरार रखे जाने के पूरे आसार भी हैं। देखिए वह स्थिति है क्या हो पाएगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो बन के आएगा वो काफ़ी कुछ उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, उसके ऊपर काफ़ी ये रहेगा कि वो क्या कर पाएगा। फिलहाल ये बात समझ में आ रहा है कि जैसे ही अजय माकन के इस्तीफे की खबर आई, ये बात साफ हो गई है कि अब लगता है कि कोई नया प्रभारी आएगा, और जो नया आएगा वो गहलोत और पायलट दोनों गुट को सामने में साधने में कितना सफल हो पाएगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल चर्चा इन्हीं लोगों की है, और इनके अलावा भी कुछ नाम हैं जिन पर चर्चाएं हो रही हैं। हरियाणा राजस्थान में जो एक माहौल होता है उसी हिसाब से मुझे लगता है कि हरियाणा या
उत्तर प्रदेश से कोई यहाँ पर प्रभारी बनाया जा सकता है और इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। प्रमोद तिवारी का भी नाम है, तमाम ऐसी बातें हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी अजय माकन का इस्तीफा हो चुका है। नए प्रभारी की चुनौतियाँ और जिम्मेदारियाँ क्या होंगी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।